करनाल के नगर निगम की ओर से शहर में विशाल स्वच्छता मार्च निकाला गया। स्वच्छता मार्च रेलवे रोड से प्रेम प्लाजा से आरंभ हुआ। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि चौक, पुरानी सब्जी मंडी चौक, कुंजपुरा रोड से अस्पताल चौक से होकर मॉडल टाउन से शहीद तेजेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में जाकर समाप्त हुआ। इसी मौके पर नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कहा कि नगर निगम करनाल द्वारा पॉलिथीन उन्मूलन अभियान के अंतर्गत पूरे शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए एक विशाल मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी व अन्य शहर के गणमान्य व्यक्तियों लोगों को यह संदेश देंगे कि पॉलिथीन हमारे जीवन में बहुत खतरनाक है, जिसे भयंकर बीमारियां मानव को लग सकती हैं। इस अवसर पर उन्होंने पॉलिथीन के विकल्प के रूप में कपड़े के थैले तैयार करवाए गए और नगर निगम की ओर से सभी दुकानदारों को एवं रेहड़ी फड़ी वालों को, साथ साथ आम नागरिकों को भी विशाल मार्च के तहत कपड़े के थैले वितरित किए गए और लोगों को घरेलू वस्तुओं के प्रयोग में एवं खरीदते वक्त कपड़े के थैले ही प्रयोग करने का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी करनाल को सभी के सहयोग से स्मार्ट बनाया जा सकता है, जिसके लिए नगर निगम स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करते हैं एवं पौधारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संदेश भी समय समय पर दिया जाता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि नगर निगम के इस अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग दें ताकि आने वाला भविष्य उज्जवल हो। देखिए विशाल स्वच्छता मार्च पर एक विशेष रिपोर्ट। गांधी जी इधर आए, चलो भाई करवा चुका है। तो इसी कड़ी में हमने सभी हमारे करनाल वासियों को, नागरिकों को धन्यवाद करने के लिए ये रैली का आयोजन किया है। इसमें हमारे सभी सफाई कर्मचारी, स्कूल के बच्चे, ये सारे लोग हाथ में कपड़े का बैग लेकर के एक संदेश देते हुए 3-4 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे और ये पूरा मार्च मॉडल टाउन में जो हमारी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके सामने ख़त्म होगा और वहाँ पे हम सभी हमारे हाथ से वहाँ की दीवार पे एक निशान बना करके हम ये प्रण लेंगे कि हमें अब इस स्टेटस को आगे भी मेंटेन करना है। आने वाले समय में चुनौतियाँ भी आएंगी, हमें पूरी तरह से सजग रहना पड़ेगा कि जो हमें तमगा मिला है पॉलिथीन फ्री होने का, हम इसको आगे भी मेंटेन करें। तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा सर आपको इन सब कार्यों में? जब ये इसमें जो मेन दिक्कत आई शुरू में वो ये थी कि पॉलिथीन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि लोग क्या इस्तेमाल करें जी। तो इसके लिए हमने काफ़ी सारी ऐसी कंपनियों को करनाल में बुलवाया और उनके शोरूम्स खुलवाए जो इको फ्रेंडली पॉलिथीन बांटते थे। उसके बाद हमने लगभग 1 लाख कपड़े के बैग बनवाए हैं, सभी जो है व्यापार मंडलों को और नागरिकों को बटवाए हैं ताकि वो पॉलिथीन के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो सके। हमने हर एक मोहल्ले में जाकर के, गलियों में जाकर के, सारे व्यापारिक संगठनों से मिलके, सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मिलके इतनी अलग जगाई है कि किसी भी तरह के प्लास्टिक को, पॉलिथीन को इस्तेमाल ना होने दें। हमारे सभी इसमें करनाल की सामाजिक संस्थाएं, सारे व्यापारिक संगठन, स्कूलें, कॉलेजेस और मीडिया बंधु, सारे लोगों ने हमें इसमें बहुत सहयोग किया, उसके धन्यवाद के तौर पे आज ये रैली धन्यवाद यात्रा के नाम से निकाली जा रही है। कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? दूध आ रहा है वो पॉलिथीन में आ रहा है। जो पैकेज्ड पॉलिथीन है उसमें भारत सरकार के नियम ये हैं कि अभी सिंगल यूज जो पॉलिथीन है उसको बैन करना है। सिंगल यूज का मतलब ये होता है कि हम ऐसी थैली जो एक बार ही इस्तेमाल करते हैं फिर उसको फेंक देते हैं। जो पैकेज मटेरियल आते हैं, चाहे वो चिप्स कुरकुरे के पैकेट्स हों या दूध का पैकेट हो, उसके लिए केंद्र सरकार ने विशेष गाइडलाइंस अलग से बनाई है और केंद्रीय स्तर पे ही उनका प्रयोग धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। शहर को स्वच्छ बनाया जा रहा है। अब आप दीवारों के ऊपर देख सकते हैं बहुत अच्छा बनाया गया, लेकिन रेलवे रोड की मच्छी मार्केट की बात करें तो उसको देखने का मौका नहीं मिलता। वहाँ रेहड़ियाँ इतनी लग गई हैं अंडे की, मछली की, कि लोग नहीं देख पाते। क्या इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जितनी भी हमारी मीट मार्केट्स, मछली मार्केट्स हैं, इनको जल्द ही स्लॉटर हाउस जो हमने बनाया है वहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे और जो कुछ एरिया बच गए हैं हमने वो गार्बेज डस्ट डंप्स के तौर पे आइडेंटिफाई करे हैं। वहाँ पे स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले यानी दिसंबर से पहले पूरी तरह के फंक्शन की सफाई करवा करके और वहाँ पे सुंदर पेंटिंग बनाए। डेयरियों को भी शिफ्टिंग का एक प्रपोजल बना है, उस पर निगम ऑलरेडी कार्यरत है। एक बार जैसे ही वो डेयरी एक जगह पे शिफ्ट होती है तो उनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट है, जो बेसिकली कैटल डंग है, उसको भी हम प्रोसेसिंग करके और उसकी CNG गैस बनाएंगे। इस बारे में जो प्लांट है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे जनरेट शुरू हो चुकी है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।